बहुत बहुत स्वागत अरविंद सर, हमारे फिजिक्स के टीचर, हमारे बीच आ गए बच्चे, उनका स्वागत करेंगे। उजाला के लिए, सबसे पहले उजाला के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्पेशली मैं कोशिश करता हूँ, जैसे आपने देखा कि मैं सरप्राइज दिया आने को लेके, ना आने को लेके, लेकिन मैं एक्चुअली मैं सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ मुझे, और मैं एकदम चौंक गया कि संचालन जो है उजाला कर रही है, और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि वो यशवंत करेगा, और मुझे पहले ये नोटिस दिया गया, लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से उजाला को बोलते हुए देखते हुए ये लड़के लोगों ने तो पूरी नाक कटा दी। तालियां आपने लिए, एक बार मैं स्पेशली कहता भी था, मैं जितने भी मेरे फेयरवेल्स होते थे उसमें एक स्पेशली मेरा डायलॉग होता था कि लड़कियां क्या करेंगी, लड़कियां तो चूल्हा चौका करने के लिए, लेकिन एक गलत साबित कर रही हैं ऐसी लड़कियां। और ये शांभवी सिंह एक बैठी है वहीं पे, उनका भी फोटो दिखाइए, मास्क हटाइए, शांभवी ये है, ये रही, वो तो उनकी बहन है। हाँ, ये सब ऐसी गर्ल्स हैं, केवल पढ़ाई को लेकर नहीं, पढ़ाई में आपने 95% मान लिया, 90 मान लिया, लेकिन उसके अलावा आप क्या कर रहे हो? उसके अलावा ये देखिए, तो गर्ल्स संचालन कर रही होगी, अभी 11th की स्टूडेंट, और वो भाला फेंका था आपने, भाला फेंक दी जाके जो है गोल्ड मेडल, बहुत एक बार इन दोनों बच्चों के लिए। हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम वंस मोर अगेन ऑन योर फेवरेट प्लेटफॉर्म सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। मैं आपका अपना फेवरेट अखंड प्रताप सिंह नए ब्लॉग के साथ आपके बीच में आया हूं, और आज हमारे यहां फेयरवेल पार्टी है 10th 12th की। सभी बच्चे देखिए परिश्रम मेहनत करने में लगे हुए हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ प्यारा प्यारा रंगोली बना रही हैं, वेलकम रंगोली, आप देख सकते हैं कितना प्यारा पिका रहा है, बनने के बाद आपको और दिखाएंगे। बाकी हमारी टीमें लगी हुई हैं, बच्चे लगातार आ रहे हैं, जूनियर क्लास के बच्चे सीनियर क्लास के बच्चों की विदाई करेंगे। और ये देखिए हमारे बीच में एक छोटी सी बारबी डॉल भी आई हुई है, हमारे बीच बच्चों के फेवरेट फिजिक्स के वन ऑफ द बेस्ट टीचर अंकित मोदरवा सर प्रवेश कर रहे हैं, बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आने से देखिए काफ़ी तेजी से तैयारी करते हुए गुब्बारा वगैरह लगाते हैं, हमारे अंश भैया और अन्य हमारे प्यारे बच्चे साथ में हमारे प्रोग्राम की तैयारी के लिए देखिए तरह से बैठ चुके हैं, आपको बीच यहाँ पर खड़ा होगा, बच्चे विदाई कर रहे हैं, अत्यंत वाले बच्चे की विदाई कर रहे हैं, अभय जी ने हाथ हाथ किया, सभी बच्चे देखिए, हमारे साहिल जी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, हरीश सर संस्था प्रबंधक, और अंकित मधुरवा सर जो फिजिक्स के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं और संस्था के प्रमुख अंग हैं, बच्चों के प्रिय हैं। हम चाहते हैं कि दोनों ला करके सर को सीधे मंच पर बैठाएं, सर का मंच पर स्वागत करें, और इनके आने के साथ ही कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की मैं घोषणा करता हूं। आज कार्यक्रम के मूल बिंदु डॉक्टर मंगला प्रसाद सिंह जी आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। अफसोस यही कि हमारे प्रिय सर अंकित सर गए तो थे दो दिन के लिए, पर वो दो दिन में कितने घंटे होते समझ में नहीं आया, अभी बीता नहीं है और हमारे बीच नहीं आए हैं, उसकी निराशा बच्चों के चेहरे पर झलक रही है। काश आसमान से उड़ के उधर आते तो बच्चे भी जोरदार चिल्लाहट साथ उनका स्वागत करते, चिल्ला के स्वागत करते, लेकिन एवरी मोमेंट इज़ नॉट द सेम एज वी थिंक अबाउट, जैसा हम सोचते हैं हर क्षण वैसा नहीं होता है, बच्चे ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, खींच खींच के मुस्कुरा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आगे कार्यक्रम का संचालन हरीश सर माइक थामिए और इंस्ट्रक्ट कीजिए या फिर किसी बच्चे को सौंपिए जो इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करें। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम को कक्षा 11 लड़की उजाला जो पूरे प्रोग्राम को संचालित करेंगी, इन्हीं के हिसाब से इन्हीं के निर्देशानुसार सभी कार्यक्रम चलेंगे। उजाला माइक थाम चुकी है, और बाकी बच्चे भी देखिए मुंह से तो सामने तो प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर सब दुखी हैं। दो कार, एक तो विदाई समारोह, दूसरा इनके फेवरेट सर अंकित पांडे सर जी अभी सूरत में अपनी सूरत दिखा रहे हैं जी। बच्चे भी सोच रहे काश अचानक हवा में उड़ते हुए उछलते हुए चांदनी टिम टिम करते तारे, ताली क्यों बजा नहीं रहा, सो सो में है क्या सारे?
पढ़ाई करके देते हैं हम टेस्ट। अंकित सर की क्लासों में आता है बहुत इंटरेस्ट, पढ़ाई में आता है इंटरेस्ट। कुछ भी हो जाए सर भूलते नहीं है कहना, सो आज के लिए इतना ही, आई कल ऑल द बेस्ट। इसका आवत को हम ही तोड़ेंगे, पढ़ना है मुश्किल इसका आवत को हम ही तोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए अंकित सर पूरी कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद सर के लिए कि होटल में सब्जी के साथ अचार जरूर मिलेंगे रसगुल्ले, होटल में सब्जी के साथ अचार जरूर मिलेंगे, रसगुल्ले के साथ रस जरूर मिलेंगे। आप किसी भी शादी या पार्टी में जाए अंकित मनोहर से जरूर मिलेंगे। और ये हरी सर के लिए कि स्विगी से हम मंगाते हैं खाना, स्विगी से हम मंगाते हैं खाना, बिना सोए हम रह नहीं पाते हैं। हमने बहुत नोटिस किया हरी सर टोपी क्यों लगाते हैं। विकास भैया के लिए कि दिन महीने साल बीत जाते हैं, सोते सोते तोते उड़ जाते हैं, हम ये नहीं पता चला यार कि विकास भैया महीने के लास्ट में क्यों आते हैं। सर तो बोलेंगे जब भी सारी के लिए फेमस आप लोग बहुत तालियां बजा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं ये तालियां बहुत काम करती, और आप लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता। आप सब लोग यहाँ पर आए और इस विदाई समारोह में भाग लिया, आप लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, ये अच्छा है ये बुरा है ये तो केवल भ्रम है, और जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। दुआ मिल गई तब तो मौसम को जैसे ठंडी हवा मिल गई, आपके इस विदाई समारोह में आकर ऐसा लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। बहुत बहुत स्वागत सर का। बच्चों को उम्मीद थी सर नहीं आएंगे कि सर आ गए, इसीलिए आपको जो ये वॉइस ब्लास्ट सुनाई पड़ा ये उसी का था। सरप्राइज हो गया। तो सर जी अपने सीट पे जाते हुए बच्चों ने अचानक एक बार और हो जाए सल्ला हल्ला मचा दो यार साड़ी का मैक कर भी दिए। देखिए आप लोगों के सामने सरप्राइज होकर भी आ गए हैं, अब हम लोग भी सरप्राइज हो चुके हैं, शायद इसलिए इस कोचिंग का नाम सरप्राइज कोचिंग सेंटर है। मौर्य सॉन्ग कवर करने जा रही हैं और हम लोग उनका सॉन्ग सुनते हैं। आज मैं आप सबके सामने एक राधा का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, अगर उसमें कोई भी गलती हो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। गंगा जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, गंगा जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी, ब्रज धाम राधा जी की रज धानी लागे, रज धानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। हमारे प्रिय स्टूडेंट अंकित मोदनवाल और इस कार्यक्रम के आकर्षण के केंद्र अखंड प्रताप सिंह, क्योंकि आप नहीं हंसना चाहेंगे तो भी हंसा देंगे, और बहुत अच्छा इनका बड़े ह्यूमरस टाइप है। आज जरूर पांडे सर ने हमको यहाँ पे गेस्ट के रूप में बुलाया, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं भी इस संस्था का एक सदस्य था है। और भविष्य में भी आशीर्वाद सर का मिलता रहे। और मैं पुनः साधुवाद धन्यवाद अंकित पांडे को देता हूँ। और मैं टीचर रिटायर्ड टीचर है, कोई जरूरत नहीं आराम से पेंशन लेके अपनी, लेकिन सिर्फ एक जिद कि जब तक इस शरीर में सांस है ताकत है तब तक ये हम सेवा देते रहेंगे। और आज भी इनका इनको इनको बड़े बड़े कॉलेज वाले सर तुलसीदास के अलावा सर मैं जानता हूँ दो विद्यालय पकड़ चुके हैं, उनको देख रहे हैं अच्छे से, चाहे तो सर तुलसीदास का त्याग कैसे होगा। तो उनके सर जी ने कहा भैया हम तो केवल क्या देते हैं डिग्री, यानी उस डिग्री को लेकर आप उस डिग्री से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आप कभी जिंदगी में सुख से नौकरी नहीं कर पाएंगे। हाँ थोड़ा कम मिले लेकिन अपने हिसाब से मिले, डिग्री 70% है जानकारी पूरी है, इसका मतलब आपको उस विषय पर 70% कमांड तो है ही, है कि नहीं।
साथ चाहिए, आसमान को बादलों का साथ चाहिए, धरती को फूलों का हार चाहिए, मुझ जैसे एक छोटे से कलाकार के लिए आप लोगों की तालियों का साथ चाहिए। आता है वो बीता कल, याद आता है वो बीता हुआ कल, स्कूल के वो सबसे हसीन पल। याद आता है वो बीता हुआ कल, स्कूल के वो सबसे हसीन पल, वो फिजिक्स लैब, वो केमिस्ट्री लैब, वो असेंबली, वो गेम्स पीरियड, वो दोस्तों की मंडली, वो टीचर्स का डांटना और वो प्रिंसिपल सर की स्पीच। जिंदगी की रेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं, जिंदगी की रेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत पर कुछ खट्टी मीठी यादों का, पर कुछ खट्टी मीठी यादों का अनुभव अपने साथ ले गए हैं, पर कुछ खट्टी मीठी यादों का अनुभव अपने साथ ले गए हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफर, जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफर, बस अब याद में सिमट गया है, बस अब याद में सिमट गया है कुछ खट्टी मीठी, कुछ खट्टी कुछ मीठी और उनकी अनकही बातें हर स्टूडेंट की। वो गुड मॉर्निंग मैम, वो गुड एग्ज़ाम की सारी रात पढ़ना और फिर रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार करना, कुछ अनकहे से ख्वाब और कुछ खट्टी मीठी याद बन के रह गया है। जिंदगी रफ्तार पकड़ लेगी, जिंदगी रफ्तार पकड़ लेगी, जिम्मेदारियां जकड़ लेंगी, जिंदगी रफ्तार पकड़ लेगी, जिम्मेदारियां जकड़ लेंगी, फुर्सत के पल सिमट गए हैं, बस अब एक दूसरे की याद में याद बन के रह जाएंगे। विकास सर फीस आप लोग हमको पहचानते हैं तो फीस के लिए तो आप लोग में एक है कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है। अगर आप लोग घर रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन तैयारी, तो अपने पास उपलब्ध है। और जो है यहाँ से आप लोग लाइब्रेरी भी अपने पास है, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, पढ़ाई करिए और फीस के लिए जो है हम रहेंगे। तालियां फीस के लिए। जैसे कई तरीके से कई मतलब जैसे कि गरीब घर से आते हैं, अच्छे भी घर से आते हैं, तो कई लोग जो है कहीं बाहर जाके तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अपने पास सर जी ने आगे कैरियर को लेकर के आप किस तरीके से कॉन्शियस हैं, क्या स्टेप्स आगे लेना चाहिए, तो ये भी टीचर का भी कहीं ना कहीं होता है चीज़ों को मोटिवेट करना बच्चों को। देखिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ऑफ देम आर बिलोंग टू द साइंस स्ट्रीम, और बच्चों साइंस में भी उनमें से बायो से हैं कुछ, मैथमेटिक्स से। यहाँ चले और सरप्राइज दे के खुश करें बच्चों को। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे जो जितने भी भाई बंधु हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे, जैसे अभी तो क्लास टेंथ के बाद अभी कई लोग होंगे कि कुछ एम बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे, सर जो है वो 4 घंटे या मिनिमम 5 घंटे, हम लोग हमें याद है 8 बजे अंकित पांडे सर के यहाँ जाते थे और 12 बज जाता था, 1 बज जाते थे, ऐसे सर पढ़ाते थे। और उस पढ़ाई का नतीजा हम लोगों को क्रैश कोर्स में मिला, क्योंकि जब कोविड का दौर था सर, वो क्रैश कोर्स में हमें पता चला। उस समय तो मन में होता था कि अरे सर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस समय हम गुरु और रास्ता एक जैसे होते हैं, खुद तो वहीं रह जाते हैं और पथिक को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और टीचर्स फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर, एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय ऑल फ्रेंड्स टू इनवाइट मी ऑन दिस स्टेज टुडे। मैं आप सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि 11th में जब मैं आई थी तो उस टाइम पे मतलब गलती से मैं यहाँ आई थी, मैं यहाँ पढ़ने नहीं आई थी, वो मेरे दोस्त बोले कि चलो यहाँ भी पढ़ते हैं, तो मैं एक दिन वैसे ट्रायल लेने आई थी। तो जब मैं आई थी तो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, पेपर भी बहुत अच्छा गया। और 2 लाइनें हैं मतलब सर के लिए, स्माइल के साथ केमिस्ट्री का सफ़र हुआ था शुरू, हम आपके स्टूडेंट्स हैं और आप हमारे गुरु, एक रिश्ता सा हो गया है सब्जेक्ट और आपसे, एक रिश्ता सा हो गया है सब्जेक्ट और आपसे, दिल से आप साथ हैं और हम दिमाग से। और इसी के साथ मैं अपनी भाई को विराम, कभी भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जो वक्त चला जाता है वो किसी भी कीमत पे वापस नहीं आता है। इसके लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए
वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ चलता जाए यही अच्छा है आदमी के लिए, यही अच्छा है आदमी के लिए। और दूसरी बात तो ये कि कौन सा सब्जेक्ट लिए हो, तो हम बताए मैथ, फिर उन्होंने हमें बताया कि हमें कोचिंग करना था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ज़्यादा दूर तक यहाँ पर भटको मत, उन्होंने यह बताया कि जहाँ पर आपको पूरा सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपरेशन करा सके वहीं पर जाना, तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि सरप्राइज कोचिंग में आप अच्छे से आप पढ़ सकते हो। अंकित सर को जब मैं पहले दिन यहाँ पर 10th क्लास में आया तो सबसे पहले अंकित सर आए, ये अभय सिंह, इनके भाई आदित्य सिंह और बाल विक्रम सिंह बर्थडे पार्टी मना रहे थे ऊपर जो है, आप लोग क्लास 11 की क्लास चल रही थी ना बगल में, क्लास 11 और बगल में ये लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे, तो हम पहुंचे और बाल विक्रांत आए कि नहीं, तो बाल आपको भी पढ़ी थी लेकिन बाल विक्रांत को बढ़िया से तबला की तरह पीट दिया गया उस दिन, हम थे ही नहीं यार। उस दिन है नहीं थे, तो बाल विक्रांत सिंह गए घर और अब कहते हैं कि अब हम सरप्राइज में नहीं पढ़ेंगे, और वो नहीं पढ़े, और वो आपको और किसको लेके, हम थे आदित्य थे, आप और आदित्य और अभय को लेके जो है दूसरी कोचिंग में गए थे, राज श्रीवास्तव और राज भी था, हाँ, तो ये चार लड़के जो है दूसरी कोचिंग में गए, उसकी स्टोरी सुना रहे हैं, सुनाइए। उस दिन जो है बाल विक्रांत थोड़ा उनको डोज मिल गया था, इसलिए वो मार खा गए थे, तो वो हमको लिवा के गए, हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन तब इंग्लिश की क्लास चल रही थी शायद, तो हम सोचे ठीक है इंग्लिश तो पढ़ लिए हैं चले जाते हैं, आधे घंटे के लिए हम गए वहाँ पे, हम दो बार पूछे सर से, जो क्वेश्चन हमें आ रहा था यहाँ से हम पढ़ करके गए थे वही क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, और वो एक्सरसाइज 6.3 पढ़ा रहे थे, हम एक्सरसाइज 6.1 पूछ रहे थे, लेकिन वो हमको सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, वो हमको ये नहीं बता रहे थे कि 6.1 आया कैसे, वो हमें ये कहे कि अभी हमसे बाहर मिल लेना हम तुम्हें बता देंगे। आधे घंटे बाद हम वहाँ से निकले, बाल विक्रांत से हम कहे कि अगर तुमको चलना है तो चलो, नहीं चलना हो तो ना चलो, फिर हम आए तो सर पढ़ा रहे थे वही क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, हम बहुत सारे कोचिंग में जा चुके हैं शायद कोई कोचिंग नहीं छूटी हमसे, एक ही दिन के अंदर हम सभी कोचिंग में गए हैं, स्वास्तिक में भी गए हैं, कृष्णा क्लासेस में भी गए हैं, और भी कोचिंग में गए हैं, और इंग्लिश तो हम पहले से ही पढ़ते थे केपी सर से, इसलिए इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हमें मैथ में इतना ज़्यादा दिक्कत होता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, आए तो अंकित सर बहुत ज़्यादा कोशिश किए तो हमको आने लगा, बहुत सारी चीज़ें आने लगी, और बायोलॉजी तो हमारे जूनियर्स भी जान रहे होंगे और सीनियर्स भी कि हरीश सर के द्वारा इतना बार पढ़ाया जाता है कि एक एक लाइन याद हो जाती है, और पहले आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि 11th में हमें लेना क्या है, मैथ लेना है कि बायो, अच्छे समय को लाने के लिए ही रखा जाता है, राजा राम पुरुषोत्तम राम नहीं बनते अगर उनको 14 वर्ष का वनवास, एक म्यांमार की रानी थी मतलब प्रधानमंत्री थी, तो उनके साथ हुआ कि वो सज धज कर निकली थी, तो वहाँ के जो मतलब सेना के सेनापति वगैरह थे उन्होंने उनको अरेस्ट कर दिया कि आप देश की इकोनॉमी को बढ़ा रही हैं ये ऐसे कुछ, तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, तो सर ने बताया था कि मोदी जी जो थे अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो उनके बहुत अजीज थे, यानी कि जब वो जाते थे तो उनको कार लेके लेने आती थी एयरपोर्ट पर, जब वो आती थी तो मोदी जी कार लेके जाते थे उनको एयरपोर्ट पर लेने, तो ऐसे फिर सर ने बताया कि मोदी जी ने उस समय कहा कि आप चिंता मत कीजिए अपना टाइम आएगा अच्छे दिन आएंगे, और फिर ऐसी क्लास में सर पढ़ाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल क्लास होती है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप या फिर ग्रुप में डाल देते हैं, तो कोई ना कोई टीचर या फिर इनफैक्ट अंकित मोदनवाल सर ही हम लोग को उसको तुरंत जितना जल्दी हो सकता है जब देखते हैं तो सर उसका सॉल्व करके पेपर पे खुद से भेज देते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा तो उस चीज़ का जो पेपर था बहुत शानदार था, लगभग जितने क्वेश्चन पूछे गए थे देश दान ओनली एनसीईआरटी पैटर्न के थे, चाहे 12th का एनसीईआरटी की एक एक लाइन और उसके एक एक न्यूमेरिकल्स, और एनसीईआरटी के बच्चों आता है ना एक एग्जाम्पल आता है, एनसीईआरटी की एक आती है एग्जाम्पल की आती है, मैं शिव प्रताप सिंह पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ कि
देखिए हमारे बच्चे कितने खुश हैं, और हम मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।